अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, कल एनसीओसी की एक और मीटिंग होने जा रही है। मीटिंग का एजेंडा क्या है? मीटिंग के दो एजेंडाज़ हैं, एक एग्ज़ाम्स 2021 इनका इनेकाद, इनके हवाले से कुछ पॉलिसी, कुछ प्लान्स, और दूसरा समर वेकेशंस फॉर 2021। जो स्टूडेंट्स एक्सपेक्ट कर रहे हैं, स्टूडेंट्स के मुख्तलिफ शहरों में एहतजाज अभी भी छोटे पैमाने पर जारी हैं कि एग्ज़ाम्स कैंसिल हो सकते हैं, एग्ज़ाम्स स्टूडेंट्स प्रमोट हो सकते हैं विदाउट एग्जामिनेशन। मेरा नहीं ख्याल ऐसा कुछ होने जा रहा है। मेरे ख्याल से एग्ज़ाम ना तो डिले होंगे ना कैंसिल होंगे, कोई प्रमोशन पॉलिसी नहीं आएगी। फ़िलहाल बताया जाएगा कि एग्ज़ाम्स का इनेकाद यकीनी है, जो पहले डेट्स दी जा चुकी हैं, जो डेट्स चीज़ अनाउंस की जैसी उसी के मुताबिक एग्ज़ाम्स होंगे। दूसरी चीज़ मैं जो एक्सपेक्ट कर रहा हूँ वो रिपीटर्स या इम्प्रूवर्स के हवाले से एक बाकायदा पॉलिसी अनाउंस कर दी जाएगी कि रिपीटर्स के मार्क्स कैसे लगेंगे, रिपीटर्स जो एक साल इम्प्रूव कर रहे हैं उनके दूसरे साल के। मुझे जो लग रहा है कि इलेक्टिव सब्जेक्ट्स के एग्ज़ाम्स होंगे सिर्फ, कंपलसरी जो बच्चे रिपीट कर रहे हैं उनके एग्ज़ाम्स नहीं होंगे। इलेक्टिव सब्जेक्ट्स के अकॉर्डिंग ही कंपलसरी का कोई फार्मूला तय होगा, और फिर ये कि सिर्फ सेकेंड ईयर के एग्ज़ाम्स होंगे। जाहिर है जो बच्चा एक सब्जेक्ट रिपीट करता है जैसे बायोलॉजी या केमिस्ट्री या फिजिक्स, उसने दोनों सालों के रिपीट करने होते हैं। जो गालिब इम्कान है वो ये कि उनके सिर्फ सेकेंड ईयर के एग्ज़ाम लिए जाएंगे और फर्स्ट ईयर के उसी के अकॉर्डिंग मार्क्स लगेंगे। दूसरा, समर वेकेशन के हवाले से कल फैसला आना मुतवक्के है। समर वेकेशन के हवाले से क्या फैसला आएगा? मुझे जो लग रहा है, आई एम एक्सपेक्टिंग फ्रॉम 2 जुलाई टू 15 अगस्त, ये कम अज़ कम डेढ़ माह छुट्टियां करनी पड़ेंगी गवर्नमेंट को, बिकॉज सेशन जो प्रीवियस है वो आलमोस्ट कंप्लीट हो चुका है और जो नेक्स्ट सेशन है वो आलमोस्ट 15 अगस्त के बाद शुरू होता है। गर्मी शदीद पड़ रही है आजकल भी, आगे कह रहे हैं जी लोड शेडिंग भी है कुछ दिन, तो दी डिसीजन आर एक्सपेक्टेड इन टुमारो मीटिंग। बच्चों, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करो और बेल आइकन को दबाओ ताकि हमारे वीडियोज़ आप तक पहुँचती रहें और आप हमारे साथ जुड़े रहें, अपने एग्ज़ाम्स की तैयारी करते रहें। हमारी बेस्ट विशेज़ आपके लिए हैं। अल्लाह हाफिज़।